नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई रेडियो इंडिया के इस शो में। और आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं योग चिकित्सा का, ये जो पहला टर्म है, और इसमें हमारे साथ है योगाचार्य अक्षय चौधरी। विभिन्न क्षेत्रों में आपने बहुत शानदार सफलता हासिल की है, कई जगहों पर आपको सम्मानित किया गया है, स्टेट लेवल पर आपको कई बार मेडल प्राप्त हुए हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से आपने योग की शिक्षा ली है, और सबसे खुशी की बात यह है कि अक्षय चौधरी हमारे क्लासमेट रहे। अक्षय चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ई रेडियो इंडिया में आपने मुझे बुलाया, उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और सभी चौधरी दर्शकों का जो साहब, भी देख रहे हैं। जी जी, चौधरी साहब, आजकल स्वाइन फ्लू को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। हाल ही में एक हमारे मेरठ में ही एक वरिष्ठ नेता के जो भाई का निधन हुआ, वो स्वाइन फ्लू के चलते हुआ। और कई बार ऐसा होता है कि जो तमाम लोग हैं, जो नई नई बीमारियां आती हैं, लोग उससे तो बहुत सचेत रहते हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी जो बहुत ही घातक है, और बहुत पहले से ही जो WHO है उसने इसको लेकर के चेतावनी जारी, ऐसे में स्वाइन फ्लू का योग में क्या उपचार है और क्या पद्धतियां हैं इसकी? जी 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 सर, ये बैक्टीरियल एक बैक्टीरियल डिजीज है जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। और ये फैलने से जो हम छुआछूत या ऐसा होता है कि छींकते या खांसते हैं, तो उससे हमारा कोई भी बूंद हवा में, जो कहते हैं कि ये हवा में भी है, वो हवा में इसी कारण है सबसे पहले कि जो हम छींकते या खांसते हैं उन चीजों का हम ध्यान नहीं रखते। उसके लिए हमें जी अपने टिश्यू या रुमाल सबसे पहले अपने पास रखना चाहिए कि हम अगर हम पीड़ित हैं इस रोग से तो भी, और नहीं भी है तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। और क्योंकि ये वायरल डिसीज है, हमें छूने से या कोई पीड़ित व्यक्ति है किसी वस्तु को ये छू देता है और उसके बाद हम उसे टच कर लेते हैं तो ये हमें हो जाता है। ये योग में एक, मैं आपको एक योग में कोई प्राणायाम का एक पार्ट है जिसका इसमें सबसे ज्यादा योगदान है। इसके लिए हम प्राणायाम में, आपको भस्त्री का प्राणायाम है जो हम सांसों का तेज तेज सांस लेते हैं, उसके बाद आपका अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, और भस्त्रिका के बाद आपको जो हमारे, क्योंकि ये हमारे लंग्स को, सांसों को, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उन्हें प्रभावित करने का काम करता है। तो इसके लिए हमें, अगर इससे बचना है, अपने सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना होगा क्योंकि एक नॉर्मल सी चीजें हैं। और जी हमारे, मैंने आपको बताया जैसे प्राणायाम को हमें नित्य प्रति डेली ये प्राणायाम करने हैं अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा सर कि जो ज्यादा पीड़ित लोग हैं, या तो वो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम या इम्यून सिस्टम कमजोर है, उन लोगों को ये जल्दी पकड़ता है, या ज्यादा एज के लोग हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। कपालभाति है, क्योंकि ये हमारी जो, ये मैंने प्राणायाम बताया, ये हमारी सांसों से रिलेटेड है, सांसों को मजबूत, उनके जो भी डिजीज होती है उन्हें दूर करने का ये काम करते हैं। अच्छा, जो जैसे अभी आपने प्राणायाम का जिक्र किया है, तो उसमें से जो प्रमुख प्राणायाम आपने बताया पहला, तो उसको करने का तरीका क्या होता है, वो थोड़ा सा कर बताए। जो मैंने आपको बताया, एक हम भस्त्री का प्राणायाम है, भस्त्री का प्राणायाम में हम सांसों को तेज तेज, फिर कपालभाति, और इसमें हमें अपनी सांसों को, एक भस्त्री का मैं तेज तेज करना है, जी और कपालभाति, जो कपालभाति है उसे, और ये हम कपालभाति जो प्राणायाम करते हैं पूर्ण रूप से हम कंधों को ऐसे करते हैं, ये हमें नहीं करना है, हमने सिर्फ अपने पेट, जो पेट है ये अंदर बाहर होना है, जी ये जी कपालभाति। और जो भस्त्रिका है उसकी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहती है, जो हार्ट के पेशेंट है वो इसे बहुत धीरे धीरे करें। अगर आप पीड़ित हैं और आप हार्ट के पेशेंट हैं तो उन्हें ध्यान रखना है कि, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को तेज करता है, तो बहुत ही धीमे धीमे इन प्राणायाम को, उन लोगों को सावधानी बरतनी है। अच्छा, योग को लेकर के बहुत सारे लोगों में ये रहता है कि ये बहुत धीमी प्रक्रिया से लाभ पहुंचाता है, ऐसे में तमाम लोग योग में ना जा करके उन मेडिसिन पद्धतियों को लेते हैं जो आजकल बहुत प्रचलित हैं, जिसे एलोपैथी कहते हैं। तो स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट अगर हम योग से लेते हैं, तो जो स्वाइन फ्लू के मरीज हैं उनको कितनी जल्दी रिकवरी होने की संभावना है, या फिर इसमें क्या स्टेप्स होते हैं कि कब तक ठीक होने की संभावना है? ये प्राणायाम के साथ साथ देखो, जो हम
ये आप बता रहे हैं कि हम दवाई या डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो दवाई हमारी जड़ पे वार नहीं करती कभी भी, कोई भी दवाई है उसको वो जड़ से हमें खत्म नहीं कर सकती किसी भी बीमारी को। तो इसके लिए हम आयुर्वेद में हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके अंदर हम आपकी तुलसी है जो हमारे घरों में या किचन में ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो हमारे घरों में ही मिल जाती है अक्सर, और वो बहुत ही उसके जड़ पे काम करेगी। और आपको नित्य प्रति वैसे भी नॉर्मल भी व्यक्ति से ले सकता है, गिलोय है आपका, एलोवेरा, एलोवेरा है जो आपका एंटीबैक्टीरियल है, जो हमारे बैक्टीरिया है ये उस पे वार करता है। आपको गिलोय को सुबह आपको लेना है, एक उसे लेके थोड़ी देर उसे लटका देना, उसके अंदर येलो येलो कलर का एक पानी निकलता है, उसे निकलने के बाद आप उसे गर्म पानी में उसको ग्राइंड करके या उसे छोल के ऐसे डाल के उसे का नित्य प्रति आप वैसे नॉर्मल भी, क्योंकि वो हमारे लीवर को भी अच्छा लगता है, और लीवर अच्छा रहेगा सारी बीमारियां जो है हमारी सांसों से पेट से ये सब जो है, लीवर अच्छा रहेगा तो कोई भी बीमारी आने से बचती है। तो आपका गिलोय है, एलोवेरा है, लौंग है, तुलसी के पत्ते हैं, इनका आप काढ़ा बना के भी नित्य प्रति इसके रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हैं वो ले सकते हैं, नॉर्मल व्यक्ति भी इसे ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसमें स्वाइन फ्लू आजकल जैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मेरा दर्शकों से सभी से अनुरोध है कि इसमें बचाव सबसे बड़ी समस्या है। ये हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं और जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी रोग का इलाज करने से बेहतर है कि आप उसका प्रिकॉशन से बचाव करें, तो शायद ये बहुत अच्छा रहेगा। और भारतीय परंपरा की जो पुरानी पद्धतियां हैं, योग, ध्यान और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा है, सूर्य चिकित्सा, ये हालांकि प्राकृतिक चिकित्सा के ही अंग है जो मैं बता रहा हूँ, तो प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चीज है कि प्रकृति सबको बराबर मात्रा में देती है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। आप मानव निर्मित जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कम ज्यादा पाने के हकदार हैं या आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कम ज्यादा मिल सकता है, लेकिन प्राकृतिक चीजें जो मिलती है वो सबको बराबर मिलती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी तरह का व्यक्ति। तो प्राकृतिक प्रिक्यूशन के लिए मैंने इसीलिए सर आपको बताया, हाँ वो प्रिक्यूशन के, अगर मैं पीड़ित हूं तो मुझे, मैं पीड़ित हूं मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझसे दूसरों को ये डिजीज ना फैले, कि अगर हम छींक रहे हैं, मैं, मुझे डिजीज है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं छींकूंगा तो मेरी जो बूंद है वो निकल के हवा में जाती है, हवा से दूसरे व्यक्ति को लगती है। तो मुझे प्रिक्यूशन यही रखनी है, अगर मैं पीड़ित हूं तो घर में रहूं सबसे पहले, और अपने छींकते या खांसते वक्त अपना रुमाल या कोई टिश्यू पेपर अपने मुंह पे रखना, उसे मतलब अपने आप तक सीमित रखना है, कोशिश करनी है कि दूसरे लोगों तक या ये वातावरण में ना फैले। जी जी, ये बहुत खास चीजें हैं जिसको बहुत छोटी सी बात कहते हैं अक्सर लोग, लेकिन बहुत जरूरी चीज है। जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो ये बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कहते हैं कि या तो आप अपनी कोहनी का इस्तेमाल इस तरह से करके करें, या फिर कोई ऐसा टिश्यू कॉटन कपड़ा रखें, जैसा कि चौधरी साहब बता रहे हैं कि हमें उन कपड़ों को अपने नाक पे लगाना और फिर छींकना, ताकि उसका जो वायरस है ना वो फ्लो ना हो, बाहर ना फैले, दूसरे लोगों तक ना पहुंचे, तो दूसरे लोग उससे बीमार होने से बच जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो योग चिकित्सा का कार्यक्रम हमने शुरू किया है, इसमें प्रतिदिन हम इस तरह के किसी न किसी विषय पर किसी न किसी रोग को योग से कैसे ठीक करें इसके बारे में जानकारी देंगे, और हमारे साथ लगातार अक्षय चौधरी जी बने रहेंगे और इन चीजों को हम लोग लगातार लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या को एप्लीकेशन पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अन्य खबरों के लिए देखते रहें eRadioIndia.com। नमस्कार, धन्यवाद सर।